स्वागत है सबका एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। कैसे हो आप सब? जैसे भी हो उम्मीद है आप अच्छे होंगे और नीचे कमेंट में लिख देना आई एम वेरी गुड। तो आज हम आपको इस वीडियो में चोचलेबाजी वीडियो में क्या दिखाएंगे क्या बताएंगे, आज कुछ बताएंगे नहीं और कुछ चीज़ें दिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं अभी हूँ एक ऐसे रोड पर चल रहा हूँ, देखो दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं, 12:30 हो गया होगा। तो अभी 12:30 बजे हम दोपहर में निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी देखेंगे और आपको भी थोड़ा दिखाएंगे बाहर से। 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो में सब यही कुछ होगा। अभी जो हम रोड पे चल रहे हैं ये रोड है, मतलब नीलबड़ को जाके कनेक्ट करता है और इस साइड जो जाली लगी हुई है ये क्या बोलते हैं शूटिंग वालों की है। इसमें फाट फूट गोली बारूद चल रहा है, मतलब समझ लो आतंकी हमला हो रहा है। और इधर साइड है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। तो अभी हम बस ऐसे रोड पर जा रहे हैं, रोड के दोनों साइड एक साइड यूनिवर्सिटी है एक साइड क्या बोलते हैं शूटिंग अकादमी है। और दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल मतलब गेम चल रहा है, नेशनल गेम चल रहा है, कोई चैंपियनशिप चल रही है, 1 जून से 19 जून तक चलेगा। अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना इस पर देखो अभी गाड़ियाँ मोटर कार वगैरह चल रहे हैं। तो अब लेकिन जैसे ये सेशन यहाँ का ये समाप्त होता है क्या बोलते हैं ये गेम वोम, तो फिर इतना रोड बहुत खाली रहता है, ये ज़्यादा बिज नहीं रहता। तो अभी देखो हम जस्ट पहुंचने वाले हैं गेट के पास और 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो में हम आपको सिर्फ फ्रंट कैमरे से कुछ मतलब बैक से कुछ नहीं दिखाएंगे, सब आगे से दिखाएंगे। तो देखिए ये है शूटिंग अकादमी, ये उनको हॉस्टल वगैरह है, बच्चे लोग इसमें रहते हैं जो कहीं बाहर से आते हैं। और ये माखनलाल चतुर्वेदी है, ये उसका गेट है, मतलब ये गेट कभी खुलता नहीं है, सपने में कभी खुल जाता है नींद की तरह तो खुल जाता है, बाकी किसी रेयर बहुत रेयर केस में खुलता है ये। और धूप एकदम ताबड़तोड़ है, जस्ट तरीके से मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और 1-2 मिनट का लगभग वीडियो बन गया। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लगभग इंडिया के हर कोने से आते हैं यहाँ पे, मतलब पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, भोपाल के लोग तो रहते ही हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला से आते हैं और यूपी से भी आते हैं, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से और केरला से, साउथ के भी लोग आते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और साउथ के जो लगभग हैं। देखो अभी पहुंच गए। और एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाएंगे, देखो मेरे पीछे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही है, ये भी एक स्टेडियम ही बन रहा है और ये स्टेडियम हॉकी का हो सकता है। और अभी बताएंगे किस चीज़ का स्टेडियम है ये। और यहाँ पे देखिए पहुंच गए हैं, तो अभी देखो पूरा यहाँ से लेकर पीछे तक पूरी की पूरी गाड़ियाँ हैं और इसमें दूर दूर से लोग आए हैं खेलने के लिए। और ये मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी है, ये बन रही है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी अच्छे खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसे। अब दूर दूर के लोग आते हैं जो खेलते होंगे उनको पता होगा क्या इसमें कैसे चीज़ें चल रही हैं। और ये पता नहीं क्या छोटा छोटा बंदूक बंदूक लेके आते हैं अपना और उस बंदूक से सीधा निशानेबाजी करते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी काफ़ी अच्छा से स्टेडियम बन रहा है एक, और ये स्टेडियम आप देख लीजिए ऐसे ही, देखो पीछे बन रहा है स्टेडियम, ये काफ़ी टाइम से बन रहा है, इसको लगभग 1 साल हो गया, अभी बन के तैयार नहीं हुआ और हो सकता है अभी और ज़्यादा टाइम लग जाए इसमें। और ये रहा खजूर के पेड़ वगैरह हैं और ये सब खेलने कूदने वाले जगह, पता नहीं इसमें कहाँ गोलीबारी चला रहे हैं पिस्टल, अंदर इनके अंदर चल रहा है मतलब। और देखो पूरा गाड़ी खड़ी है, देखो मेरे दोनों साइड, मतलब मैं बीच में जस्ट क्रॉस करने वाला हूँ शूटिंग आदमी। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं खेलने के लिए। और इसको जो ये खेल होता है बहुत एक्सपेंसिव है, इसे बहुत मतलब हायर क्लास के लोग ही खेलते हैं, मतलब देखो जैसे यहाँ पे PV03, RJ59, UP14, HR98, UP17, MP04, ये सब गाड़ियाँ हैं जो बाहर से आई हैं। अब ये गेम चल रही है वेलकम टू, क्या नाम है इसका, वेलकम 2022 कुमार सुरेंद्रा सिंह मेमोरियल करके ऐसे जो भी कुछ है। और ये इसका मतलब चल रहा है 1 से 19 जून तक चलेगा। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी का ये गेट है, ये गेट से आधा आना जाना एंट्री होता है। और मेरे पीछे जो देख रहे हो ना यही वाला स्टेडियम बन रहा है, इसके पीछे जस्ट लाइक ऐसे ही बनेगा स्टेडियम, ये जो भी कुछ ऐसे ही होगा। और ये मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी यही है जहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से गोली फायरिंग होती है। और ये स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी दिन से बन रहा है और एक भाई सुरती बना रहे हैं, बोल रहे आ जाओ, ये लगता है पंचायत देख के आ गए हैं, तो पंचायत देख के आ गए तो इसलिए बुला रहा है। देखो इधर ऑटो खड़े, उधर कार खड़ी हैं, इधर ऑटो वालों का साम्राज्य है, उधर किसी दूसरे का साम्राज्य है। और इसी स्टेडियम को जाने के लिए ये वाला रास्ता है, यहाँ से इस बिल्डिंग को बनने के लिए मटेरियल वगैरह जाते हैं जो कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ भैया जब कभी आना तो अपना खाना पीना लेके आना, क्योंकि यहाँ खाना पीना मिलना बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक ही दुकान है और ये दुकान कुछ ऐसी है इतनी छोटी सी,
यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा, बट ये भी बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, इनकी मोनोपोली है तो खाना भी महंगा देते हैं ये। और हमारे पीछे खड़ी एक PB08 ये गाड़ी नंबर है, और अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। और शूटिंग आदमी का थोड़ा आपको बैकग्राउंड पीछे का दिखाएंगे। वैसे हमारी 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो ख़त्म हो गई है, तो बस इतना सा था ये सब कुछ वीडियो में। और इधर आम के बहुत अच्छे बाग हैं, ये आम का बाग है और इसमें खाना होता है। तो देखिए यार, हम कहीं ऐसे ही चल रहे थे तो बट हमने एक वीडियो बनाया था प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर करें, तो बस उसी को दूर करने के लिए हमने कहा किसी और से क्यों शुरुआत करें, खुद से करते हैं। तो ये नहीं देखा धूप है क्या है, निकल लिए अपना फ़ोन लेके और 1 करोड़ का कैमरा लेके, सॉरी 1 करोड़ का नहीं है बट उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए शूटिंग आदमी की बिल्डिंग है, काफ़ी दूर तक बिल्डिंग है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस नई चोचलेबाजी सीरीज की, लास्ट वीडियो नहीं है, और बस यहीं तक था हमारा सफ़र ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस मध्य प्रदेश शूटिंग आदमी की वीडियो को पूरे देश में फैला दीजिए ताकि लोगों को पता चले मध्य प्रदेश में भी शूटिंग आदमी, और वो भी आके निशानेबाजी करें। थैंक यू सो मच, कबूतरबाजी छोड़कर निशानेबाजी कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।